हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रीज ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिस, दैट इज द प्रैक्टिस जोन, एंड आई होप यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर योर अपग्रेडिंग नॉलेज, बिकॉज द मैथ्स मांगे प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग इन मैथ्स, एंड एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, वट एवर गोइंग ऑन एनवायरमेंट, don't go outside and you have to stay home. It's just safe and solve the questions. So stats of question, there is a 4 marks questions. If ABCD is a cyclic quadrilateral and ABCD are interior angles, then prove that tan A by 2 plus tan B by 2 is equal to cot C by 2 plus cot D by 2. These are questions. They are sin A by 2, sin B by 2, cos A C by 2, cos D by 2 दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? जैसे टैन काट का है, साइन कास का है, से कोशिश कर सकता है, क्वेश्चन चेंज कर सकता है, बट कॉन्सेप्ट वही है, नेवर चेंज द कॉन्सेप्ट। अब अगर आपको ये नहीं पता कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चंस? यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज द प्रैक्टिस, दैट इज द प्री नॉलेज। इन 9th क्लास यू हैव टू टॉट अबाउट दैट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यू हैव टू टॉट सॉल्व थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैं देखूंगा सोल्यूशन दे रहे हैं A, B, C, D, R. इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। देयरफोर अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है ना, तो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल द वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्किल, समझिए ये एक सर्किल है आपका, ठीक है, ये आपका सर्किल है, ये सर्किल वर्टिसेज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द सर्किल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका थ्योरम होता है अपोजिंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफोर ए प्लस सी 180 डिग्री एंड बी प्लस सी 180 डिग्री। लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, टी ए आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स का सप्लीमेंट, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट। तो अब देखा गया ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए बाय टू प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू 180 बाय टू डिवाइडेड बाय टू, तो ए बाय टू इज इक्वल टू, इसको हम काटते 90 हो गया, 90 माइनस सी बाई टू, दोनों तरफ टेन ले लें, टेन ए बाई टू इज इक्वल टू टेन 90 माइनस सी बाई टू हो जाएगा। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, बता चुके हैं पहले। तो टेन ए बाई टू इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू, ये इक्वेशन फर्स्ट है, यही सॉल्व करें, तो थोड़ा समझना है आपको। b प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, b बाय टू प्लस डी बाय टू इज इक्वल टू 180 बाय टू डिवाइडेड बाय, आप कर लीजिए यहां, डिवाइडेड बाय टू, ठीक है बेटा। तो अब ये 90 हो गया, तो b बाय टू इज इक्वल टू 90 माइनस डी बाय टू, टेकिंग टाइम बोथ साइड, tan b by 2 is equal to tan 90 minus d by 2, तो क्या हो जाएगा, tan b by 2 is equal to cot d by 2, प्रेडिक्शन का फॉर्मूला, ये इक्वेशन सेकेंड हो, यानी आपका इक्वेशन फर्स्ट है tan a by 2 is equal to cot c by 2 और tan b by 2 is equal to cot d by 2, इन इक्वेशन से इसी तरीके से करना है, एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा tan a by 2 plus tan b by 2 is equal to cot c
सी बाय टू आई होप हो गया। और सारे क्वेश्चन है अब इसी बेटा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसको। अगर सपोज करिए ये क्वेश्चन हो गया एबीसीडी आर द एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोलेक्टर ए प्लस सी, तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये तो क्लियर है। तो हमने एक एक करके निकाल लिया। अब इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको साइन कर सकते हैं, साइन और कास ले सकते हैं, करके दिखाते रहे। देखिए कुछ है नहीं इसमें, अगर आपको समझ में आ गया हो तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, बस दिमाग लगाइए। यहां हम साइन कर लें, यहां भी साइन कर लें, यहां कास कर लें। देखिए इसे कहते हैं प्रैक्टिस जो मैं करवा रहा हूं। अब यहां पर हम क्या करें, देखिए यहां से जहां टेन है वहां मिटा दें, कुछ है नहीं। देखिए जहां टेन होगा हम उसको मिटाएंगे, देखिए ये आप उसका ना दोबारा करना पड़ेगा, जहां टेन होगा हम मिटाएंगे। पता नहीं सही स्मार्ट होगा, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, समझा लेंगे। अगर ये है क्वेश्चन बदल गया तो प्रोसेस वही रहेगा, हम आपको समझाने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस चेंज नहीं होता है। अब सड़क में हम चल रहे हैं तो प्रोसेस वही है, रूल्स ऑफ द रोड का फॉलो करना है, चाहे हम पैदल जा रहे हैं चाहे हम दो टू व्हीलर से जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैदल जा रहे हैं बीच में सड़क में घूमते रहे हट जाओ सब नहीं चलूंगा, ऐसा नहीं है। तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। अब ये रहेगा हम दोनों तरफ साइन ले रहे हैं, कोई दिक्कत। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस क्या होता है, ये हो जाएगा साइन ए बाय टू कॉस सी, कोई दिक्कत। हम यहां ले रहे साइन ए दोनों तरफ, साइन बी बाय टू साइन, तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस कॉस थीटा होता है। अब क्या हो गया, साइन ए बाय टू कॉस सी बाय टू साइन बी बाय टू cos d by 2, ऐड कर लीजिए sin a by 2 plus sin b by 2 is equal to cos c by 2 plus cos d by 2। अब इसी पे आप प्रूव कर सकते हैं, sec a by 2 plus sec b by 2 is equal to cos c by 2 cosec d by 2, ये भी प्रूव कर सकते हैं, सेम प्रोसेस। हमें दो मिनट लगेगा प्रूव करने, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, जैसे tan को मिटा के sin cos लिख दिया, sin cos को मिटा के sec cosec लिख देंगे, इजी, क्योंकि फार्मूला क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए मैं फिर लेकर आ रहा sin 90 minus theta cos theta और cos 90 minus theta sin theta, ये STC फार्मूला हमने अलग से बना रखा है, जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ आएगा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और क्वेश्चन सुन लेते हैं, ये पापा इनका पूछा इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे आया, तो मना क्वेश्चन मिलता है। हाँ अगर आपको नहीं पता है क्वाड्रेटरल, बस यही इसका मेन बेस है कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तब कितना सर पटक लीजिए सॉल्व नहीं। तो प्री कॉन्सेप्ट प्री नॉलेज नाइन्थ में आपने ये सुखा है, इसको जानकारी रखना पड़ेगा कब का यूज कहाँ हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फिर नए वीडियो लेकर नए क्लास नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ नई चीज लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।